हरियाणा से, जहां महेंद्रगढ़ में हुए एक दर्दनाक हादसे में आज 6 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने उस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक स्कूल बस के पेड़ से टकराने के बाद भाग गए ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट में पता चला है कि वो शराब पिया हुआ था। दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए 14 छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन 3 की हालत गंभीर है। बस तहस नहस हो चुकी है, शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस में जो बच्चे बैठे थे उनकी हालत क्या हुई होगी। चारों तरफ बच्चों का सामान बिखरा हुआ है, कहीं बैग पड़ा है, कहीं पानी की बोतल, कहीं लंच बॉक्स। चारों तरफ अफरा तफरी, चोट से कराहते बच्चे, लेकिन तस्वीरें ऐसी कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी, ड्राइवर ने संतुलन खोया, बस एक पेड़ से टकराई और पलट गई। जिसने भी इस खौफनाक मंजर को देखा वो दहल गया। चारों तरफ चीख पुकार, आसपास मौजूद लोग फौरन मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को, ठीक है, या अनबैलेंस हुई या कैसे क्या हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, पर तो हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब हम उठाए आए। कौन से स्कूल की बस थी? ये GL पब्लिक स्कूल की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। फौरन बच्चों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया। घायल बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। 20 बच्चों को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक ने वेंटिलेटर पर दम तोड़ दिया। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रोड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। एक परिवार तो ऐसा भी है जिसके 4 बच्चे इस बस में सवार थे। बच्चों के पिता उनकी सलामती को लेकर परेशान हैं। बस की हालत बहुत खराब थी सर, बस को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कोई बच्चा बचा होगा। बस की कंडीशन बहुत खराब थी वहाँ, और ड्राइवर जो है शराब पी के बिल्कुल नशे में था। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक बच्चा 6th में है सर, 2 9th में है और एक गुड़िया पहली क्लास में पढ़ती है। इस दर्द भरी खबर ने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया। सवाल ये कि ईद की छुट्टी के बावजूद स्कूल कैसे खुला था? पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहे हैं और सरकार भरोसा दे रही है कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जो कनाडा में भयंकर दुर्घटना हुई है, इस पे मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही अति गंभीर मामला है और इस तरह की घटना सारे इलाके को झकझोर देती है। जिला प्रशासन के सभी विभाग इस पे लगे हुए हैं। सवाल कई हैं जिनके जवाब तो जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे, लेकिन कुछ बातें शुरुआती जांच में पता चली हैं। पता चला है कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था, ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चला रहा था, ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। हादसे को लेकर कई सवाल हैं, तफ्तीश शुरू हो चुकी है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द पूरा सच सामने आएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी और हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।